दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूजर्स हैं? क्या आप जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है और इसके अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? यदि आप ये सभी चीज़ें जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है साइंस विद हेमंत राठौर। दोस्तों, आज हम दो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिनमें से सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड है वो है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका नाम है या केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। और इसके बाद हम लोग एक और कंपाउंड की स्टडी करेंगे जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर से। देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आज हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, फर्स्ट फिफ्थ वन ब्लीचिंग पाउडर। ओके, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। इज इट क्लियर? जैसे कि बेकिंग पाउडर होता है, ठीक है, और वॉशिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा था, ठीक है। इनके बारे में हम अपने पहले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट बचे हुए केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पर, ये जो है ब्लीचिंग पाउडर, द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक है। अब ये बनता कैसे है? मैन्युफैक्चर देखिए, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम एट 313 केल्विन, मींस 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आप कैसे बना सकते हो इसे? जब आप क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेक लाइम, स्लेक लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन रिएक्शन करती है, कितना टेम्परेचर पर? 313 केल्विन या 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है? वी विल गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो देखिए इसकी रिएक्शन है CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2, इट विल गिव अस CaOCl2 प्लस H2O। ओके, जहाँ पर CaOH होल ट्वाइस का नाम है स्लेग लाइम, Cl2 जो है वो क्लोरीन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आप यहाँ देख सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और यह है वाटर। इट इज कैरिड आउट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ये इन दोनों में से कोई से एक प्रोसेस के थ्रू बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो है हैजन क्लेवर प्लांट, ठीक है, इस प्लांट, ये एक्चुअली ओल्ड प्रोसेस होती है बनाने की, और सेकंड जो है वो है बैचमेंस प्लांट, ये न्यू प्रोसेस है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज़ अ पेल येलो पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कैसा पाउडर होता है? पेल येलो पाउडर होता है, विथ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, जिसमें से क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। ओके, कभी भी आपको पता करना है कि ब्लीचिंग पाउडर है तो आप बिल्कुल इसको स्मेल करके देख लीजिए, तो आपको उसमें से क्लोरीन की स्मेल पता चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। ये क्या होता है? वाटर में सोल्यूबल हो सकता है। थर्ड पॉइंट जो है रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। इट प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस, ठीक है। जब भी ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और क्लोरीन गैस उसमें से इवॉल्व होगी। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, एक्शन विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब एसिड जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। ओके, तो जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा? व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद एक्सेस डाइल्यूट एसिड, मतलब ज़्यादा अमाउंट में, है ना, ज़्यादा अमाउंट में डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है,
तो क्या बनेगी, क्लोरीन गैस उसमें से बाहर आएगी। तो आप देख सकते हैं CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल बी गिव्स अस CSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन प्लस वाटर विल बी फॉर्म। ओके, सो दिस आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कंटेंट। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी अबाउट यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन दिस टॉपिक, द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन द डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है, एज अ डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है, किस चीज़ में, वाटर को डिसइंफेक्ट करने में, ठीक है। हमको पता है कि वाटर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, तो उसे दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ओके, ताकि हम लोग किसी भी तरह की हानि से बच जाए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्लोरोफॉर्म को बनाने में भी किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आप लोग याद रखना, इसका फॉर्मूला आता है CHCl3, इज इट क्लियर, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्री। इसका यूज क्या होता है, इंडस्ट्री में होता है, किस फॉर्म में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस इट इज अ पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड विच गिव्स ऑक्सीजन टू एनी अदर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट हुआ, है ना, या पोटेशियम परमैंगनेट हुआ, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है, इट इज यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर कॉटन, लाइनन एंड वुड पल्प। कॉटन, लाइनन और वुड पल्प जैसे सब्सटेंस की ब्लीचिंग करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। ओके, क्लोरीन के बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। ओके, सो दिस ऑल आर द यूसेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कंटेंट। सो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है कंपाउंड नंबर 6, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.H2O। आप यहाँ देख सकते हैं, द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब होता है हाफ, इज इट क्लियर। तो इसका नाम क्या रहेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब H2O। ओके, सो इट इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नाउ प्रिपरेशन, हाउ यू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्हेन जिप्सम। ओके, जिप्सम इज ऑल्सो अ केमिकल कंपाउंड। जिप्सम एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। ओके, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ओके, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज हीटेड। आप जब इसे हीट करोगे तो क्या होगा, एट 393 केल्विन या 120 डिग्री सेल्सियस इट लॉसेस 3/4 ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्म POP, इज इट क्लियर। तो जिप्सम क्या करता है, अपने अंदर से 3/4 पार्ट जो वाटर का रहता है उसको लॉस कर देता है और क्या बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन देख लीजिए, CaSO4.2H2O हीट करोगे आप इसको, कितने टेम्परेचर पर, 393 केल्विन पर, तो क्या बनेगा, CaSO4.5H2O प्लस 1.5H2O। ओके, तो ये जिप्सम जो होगा हीट करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बना सकते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कंटेंट। दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट इज अ व्हाइट पाउडर। ओके, ये कैसा पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है। हम सभी ने प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा है, इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट, व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है। सेकंड, इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग टू अ हार्ड मास व्हेन अ पेस्ट विथ वाटर
इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। जैसे ही आप इस पाउडर को वाटर के साथ मिक्स करते हो, ठीक है, तो वाटर के साथ मिक्स होने पर ये एक हार्ड मास बना लेता है, या हम कह सकते हैं कि बहुत हार्ड हो जाता है, जिसे इजीली ब्रेकअप नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने भी कहीं देखा है कि कोई पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन जो जिसके ऑलरेडी बोन्स क्रैक हो गई हो, ठीक है, तो बोन क्रैक करने के लिए क्या करते हैं, उसके हाथों पर या पैरों पर क्या करते हैं, प्लास्टर अप्लाई करते हैं ना। तो वो जो प्लास्टर होता है वो डॉक्टर ने क्या करता है, डॉक्टर उसको पहले भिगाता है, ओके, वाटर में डिप करता है, और वाटर में डिप करने के बाद क्या करता है, उसको उस पर्टिकुलर पेशेंट के हैंड पर या फिर लेग पर अप्लाई करता है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है या हार्ड हो जाता है। इज इट क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस थोड़ी देर बाद वाटर को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी रिएक्शन इस तरह है। देखिए CaSO4.5H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। ये जैसे ही वाटर को गेन करेगा तो क्या होगा, ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, ओके। अगला है थर्ड पॉइंट, व्हेन इट इज हीटेड एट 573 केल्विन, इट फॉर्म्स एनहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट विच इज नॉन एज डेड प्लास्टर, ओके। अगर आप इसे 573 केल्विन पर और गर्म करते हो या हीट करते हो तो ये एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो। इज इट क्लियर? तो वो सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बन के रह जाएगा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, डेड प्लास्टर। इज इट क्लियर? सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कंटेंट। दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज्ड फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि जो बोन्स की सेटिंग में, या कोई पर्टिकुलर पर्सन है यदि उसकी बोन्स ब्रेक हो जाती है, तो उसको ठीक करने में या जोड़ने में हम किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इन मेकिंग कास्ट फॉर स्टेच्यूज, चौक, डेकोरेटिव मटेरियल। जितने भी डेकोरेटिव मटेरियल आप देखते हो घरों में, या आप सभी ने चौक देखी है ना, या स्टेच्यूज है, तो उन्हें बनाने में भी किसका यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। थर्ड पॉइंट, एज अ कंपोनेंट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर द इंटीरियर ऑफ बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स के इंटीरियर में हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, जिससे हम लोग कई बार सुनते हैं वॉल पुट्टी के बारे में, तो वो जो वॉल पुट्टी होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, इट इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। फोर्थ पॉइंट, एज फायर प्रूफ मटेरियल, ओके। फायर प्रूफ मटेरियल के फॉर्म के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं, स्पेशली उन जगहों पर जहाँ पर इस तरह से फायर कॉज हुई है, जहाँ पर मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल प्लेस हो या जहाँ पर ऑयल वाली प्लेस हो, तो उस जगह पर हम किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज़ यूज एज ड्राइंग एजेंट, ठीक है। तो ड्राइंग एजेंट के फॉर्म में भी हम किसका यूज़ करते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट का, क्योंकि ये जैसे ही वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो उस वाटर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और पर्टिकुलर प्लेस को ठीक से ड्राई कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन फाइव फॉर्म्स में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस को देखते हैं, या प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज में आता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए ये थी हमारी आज की क्लास। आज हम लोगों ने सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स का पार्ट 3 भी देख लिया। इसके पहले वाले दो पार्ट्स थे वो भी हमने ठीक तरह से देख लिए हैं। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से यही कहना है कि यदि आपको कोई भी डाउट्स आते हैं इस पूरे चैप्टर में, या किसी टॉपिक में, या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और प्लीज़ मेरी क्लासेस को देखने के लिए या मेरे और भी वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि इसमें मेरी पूरी मेहनत लगी है, और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ पॉइंट्स जो अब तक उन्हें नहीं पता है उनके बारे में भी पता चल पाए, ठीक। तो चलिए आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं, कल हम आएंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।